आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट के लिए बायो इंस्ट्रूमेंटेशन के रूप में ब्लड गैस एनालाइजर का अध्ययन करेंगे। ब्लड गैस एनालाइजर के माध्यम से हम पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, इन तीनों का मेजरमेंट किया जा सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द गैस इन द ब्लड, यानी ब्लड में पर्टिकुलर गैस की मात्रा के अनुपात में ही पार्शियल प्रेशर प्राप्त होता है। और ये रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जानकारी हेतु आवश्यक होते हैं प्रेशर को मेजरमेंट के लिए। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो ऑक्सीजन का टेंशन के रूप में भी जाना जाता है। ये मेजरमेंट आप विट्रो और विवो मोड के रूप में कर सकते हो। विट्रो मतलब शरीर के बाहरी रूप में और विवो मतलब इंटरनल, शरीर के इंटरनल मेजरमेंट। आज ब्लड गैस एनालाइजर विभिन्न साइज में उपलब्ध है, हैंड हेल्ड से लेकर पोर्टेबल डेस्कटॉप टाइप सिस्टम अवेलेबल रहते हैं जो कि यूजर फ्रेंडली होते हैं, मोर ऑटोमेटेड रहते हैं और इनको उपयोग के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। आधुनिक ब्लड गैस एनालाइजर इन गैसेस के अलावा हीमोग्लोबिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, इनके पैरामीटर्स को भी मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। अब सामान्य सिद्धांत देखते हैं ब्लड गैस एनालाइजर का। ब्लड गैस एनालाइजर जो कि इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज के परिवर्तन के परिणाम रूप देखा जाता है और केमिकल मेजरमेंट के रूप में देखते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से जो केमिकल चेंजेस होते हैं इन गैसेस के माध्यम से और उससे जो करंट और वोल्टेज मिलती है उनको मेजर करते हुए हम इनकी मात्रा को जान सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बनता है वो परमेबल मेम्ब्रेन काम में लिया जाता है उसमें और वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ जिससे कि उसमें H प्लस CO2 O2 आसानी से इस मेम्ब्रेन के माध्यम से पास हो सके और उस सॉल्यूशन से ये केमिकल रिएक्शन कर सके। अब ब्लड गैस एनालाइजर की वैलिडिटी जो एनालाइजर के फंक्शन पे डिपेंड करती है, मुख्यतः आपका सैंपल के कलेक्शन पे, सैंपल के हैंडलिंग टेक्निक्स पे, यानी सैंपल को एक अप्रोप्रिएट सिरेंज और कैपिलरी ट्यूब में रखना चाहिए और उसमें जो कि ब्लड है उसका थक्का नहीं बने यानी जमे नहीं, उसमें करेक्ट एंटीकॉगुलेंट मिला के रखना चाहिए। अब जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा उसको यहाँ आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर को काम में लेते हैं और ये एक इंसुलेशन यानी ग्लास एनवलप में रहता है, इंसुलेशन के रूप में ये काम करता है। इसकी टिप ही उस सॉल्यूशन में डूबी हुई रहती है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड के रूप में रहता है, वो भी इस सॉल्यूशन में डूबा रहता है। इस सॉल्यूशन में ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं और जहां के भी ऑक्सीजन को डिफ्यूज किया जाता है।
दोनों इलेक्ट्रोड के नीचे एक मेम्ब्रेन जिस परमियाबल मेम्ब्रेन लगी रहती है, ये होल असेंबली एक दूसरे कंटेनर में डूबे रहते हैं और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जिसका कि मेजरमेंट किया जाना है वो रहता है। ये जो होल असेंबली जिसमें डूबी रहती है सामान्यतः इसको क्लार्क इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू होगा, यानी कहने का मतलब यदि हम 0.7 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाते हैं, नेगेटिव पार्ट प्लेटिनम वायर पे लगाएंगे, पॉजिटिव पार्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू होगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके कारण आयनाइजेशन की प्रक्रिया के कारण यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा और उसके माध्यम से जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको इस माइक्रोमीटर से पढ़ते हुए हम उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन या पर्टिकुलर गैस का प्रेशर मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। ये जो मैंने समझाया ये यहाँ इस स्लाइड में पूरा दर्शाया गया है। जो क्लार्क इलेक्ट्रोड मैंने बोला था वो एक कुवेट में रखा जाता है, ट्रांसकुवेट ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और ये विट्रो मेजरमेंट यानी बाहरी रूप से देखने के लिए। और यदि इसको माइक्रो वर्जन इसका काम में लिया जाए, जो आपने डायग्राम देखा इसका माइक्रो वर्जन यदि काम में लिया जाए तो ये कैथेटर की टिप पे लगाते हुए वीओ मेजरमेंट के रूप में भी आप काम में ले सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जो कैथोड है उसकी सराउंडिंग में कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। इसको आप इस इलेक्ट्रोड के केयरफुल डिजाइन करते हुए कम कर सकते हैं। ये एक डायग्राम सिवरिंगॉस इलेक्ट्रोड का दिखाया गया जिसके माध्यम से पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मेंटेन करते हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करते मेजरमेंट करते हैं, मेंटेन नहीं करते मेजरमेंट करते हैं। जो सेवरिंगस इलेक्ट्रोड है ये भी इसमें भी आपका प्लेटिनम वायर होगा, यहाँ पे ओरिंग होगी दोनों तरफ जो कि ब्यूटाइल फ्लेक्स की बनी होगी, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ ट्यूबिंग कर रखी सैंपल को इनलेट करने के लिए और सैंपल को आउटलेट करने के लिए, ये स्टेनलेस स्टील की होगी। ये एक क्यूवेट दिखाया गया जिससे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास वूल और ये पूरा जो सिस्टम है सिवरिंगस इलेक्ट्रोड का वो क्लार्क इलेक्ट्रोड का आपने पढ़ा, ये जो पिछली स्लाइड में पढ़ा उसमें रखते हुए आप CO2 का मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह सिवरिंगस इलेक्ट्रोड के माध्यम से आप pH और CO2 का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ये एक सिंपल बायोगैस एनालाइजर को आपने पढ़ा और जाना। थैंक यू।